अस्सलामुअलैकुम जी स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बॉडी प्लेन्स। तो ये हमारा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर चल रहा है, इंट्रोडक्शन टू द ह्यूमन बॉडी। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज़ बॉडी प्लेन। तो बॉडी प्लेन जो है, इट इज़ एन इमेजिनरी फ्लैट लाइन्स डैट डिवाइड्स द ह्यूमन बॉडी इंटू टू पार्ट्स। तो सिंपली क्या हुआ, बॉडी प्लेन जो है ये एक इमेजिनरी लाइन्स हैं, ख्याली लाइन्स हैं जो ह्यूमन बॉडी को दो पार्ट्स में डिवाइड करती हैं, उनको हम बॉडी प्लेन्स कहते हैं। अब देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ बॉडी प्लेन्स, कौन कौन सी होंगी। सबसे पहले सेजिटल प्लेन्स, क्रोनल प्लेन्स, या इसको हम फ्रंटल प्लेन्स भी कहते हैं, ये ट्रांसवर्स प्लेन। तो ह्यूमन बॉडी में बेसिक्स तीन टाइप्स हैं बॉडी प्लेन्स की, सेजिटल प्लेन, क्रोनल प्लेन एंड ट्रांसवर्स प्लेन। तो हम एक एक करके इनको एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेजिटल प्लेन क्या होती है, ठीक है। सेजिटल प्लेन जो है, इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन दैट रन्स वर्टिकली फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड इट डिवाइड्स बॉडी इनटू टू लेफ्ट एंड राइट पार्ट्स, ठीक है। जिस तरह आप ये देख लें, ये एक इमेजिनरी लाइन मैंने ड्रा की थी बॉडी के सेंटर में। अगर इसी को हम इमेजिनरी लाइन को देखें तो ये रन कर रही है फ्रॉम टॉप टू बॉटम और ये डिवाइड कर रही है बॉडी को दो पार्ट्स में, राइट एंड लेफ्ट पार्ट में। तो इस इमेजिनरी लाइन को हम क्या कहेंगे, सेजिटल प्लेन, ठीक है ना। तो सेजिटल प्लेन क्या हुआ, इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन दैट रन्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड इट डिवाइड्स बॉडी इंटू टू पार्ट्स, राइट एंड लेफ्ट पार्ट, ठीक है ना। तो इसको हम सेजिटल प्लेन कहेंगे। अब दूसरी क्या है, क्रोनल प्लेन, ठीक है ना, इसको हम फ्रंटल प्लेन भी कहते हैं। क्रोनल प्लेन जो है ये भी रन करती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, लेकिन ये बॉडी को डिवाइड करती है इनटू टू, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट, ठीक है ना। देखें, सेजिटल प्लेन में मैंने कहा था कि ये एक इमेजिनरी लाइन है जो रन कर रही है टॉप टू बॉटम, ठीक है ना, और ये बॉडी को दो राइट एंड लेफ्ट पार्ट में डिवाइड कर रही है। अब जब क्रोनल प्लेन है उसको हम फ्रंटल प्लेन भी कहते हैं, सही है ना। क्रोनल प्लेन को हम फ्रंटल भी प्लेन कहते हैं, ये भी वर्टिकली रन कर रही है। लेकिन देखें, अब जिस तरह मैं खड़ा हूँ, अब क्रोनल प्लेन जो है ना वो इस तरह वर्टिकली रन करेगी, ठीक है ना, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है ना, और ये बॉडी को डिवाइड करेगी इंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट में, ठीक है ना, दो पार्ट में डिवाइड करेगी। तो उसको हम क्या कहेंगे, क्रोनल प्लेन या फ्रंटल प्लेन कहेंगे। और थर्ड टाइप जो है ना उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स प्लेन। ट्रांसवर्स प्लेन को हम हॉरिजॉन्टल प्लेन भी कहते हैं, सही है ना। ये क्या करती है, बॉडी को डिवाइड करती, ये एक हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन है जो बॉडी को डिवाइड कर रही है सुपीरियर एंड इन्फीरियर पार्ट। जिस तरह आप ये देख लें, ये जो इमेजिनरी लाइन है ये क्या है, ट्रांसवर्स प्लेन है। ये बॉडी को सुपीरियर और इन्फीरियर दो पार्ट में डिवाइड करेगी, सही है। अब हम बात करते हैं सेजिटल प्लेन की। तो सेजिटल प्लेन जो है ना, उसकी फर्दर दो टाइप्स हैं, एक मिड सेजिटल प्लेन, एक पैरा सेजिटल प्लेन, ठीक है ना। अब सेजिटल प्लेन को हमने डिफाइन किया था, अब जिस तरह मैं खड़ा हूँ, मैंने कहा था कि एक वर्टिकल इमेजिनरी लाइन है जो रन कर रही है फ्रॉम टॉप टू बॉटम और ये बॉडी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, राइट एंड लेफ्ट, ये सेजिटल प्लेन थी। अब मिड सेजिटल प्लेन क्या होगी, इट इज़ अ टाइप ऑफ सेजिटल प्लेन, ठीक है ना, दैट रन एट मीडियल लाइन, ठीक है ना। मीडियल लाइन हमने कहा था कि ऐसी लाइन जो बॉडी के सेंटर से पास हो रही हो, ठीक है ना, मीडियल लाइन से ये पास होकर जाएगी, ये बॉडी को दो एग्जैक्ट इक्वल हाफ राइट एंड लेफ्ट पार्ट में डिवाइड करेगी, ठीक है ना। या सिंपली हम कहेंगे मिड सेजिटल प्लेन जो है ना, ये बॉडी को दो सिमेट्रिकल या इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। तो मिड सेजिटल प्लेन जो है ये वाहिद बॉडी प्लेन है जो बॉडी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। इसके अलावा क्रोनल प्लेन जो है ना, तो वो बॉडी को कभी भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकती है, या ट्रांसवर्स प्लेन, वो बॉडी को कभी भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकती है। अच्छा, किस तरह नहीं कर सकती है, इसको समझने के लिए ये है कि मिड सेजिटल प्लेन जो है ये क्या करेगी, पास होगी फ्रॉम मिडिल लाइन ऑफ द बॉडी, ठीक है ना। ये नोज़ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, चिन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, फिर इस तरह ये बेली पॉइंट से पास होकर जाएगी, ठीक है ना। इस तरह की क्या करेगी, बिल्कुल एग्जैक्टली बॉडी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। जिस तरह एक साइड पे राइट क्या नाम है, राइट आर्म, दूसरे साइड पे लेफ्ट आर्म, ठीक है ना। एक साइड पे राइट आइज, दूसरे साइड पे लेफ्ट आइज, ठीक है ना। एक साइड पे राइट चेस्ट, एक साइड पे लेफ्ट चेस्ट, ठीक है ना। इसी तरह एक साइड पे राइट एब्डोमेन, एक साइड पे लेफ्ट एब्डोमेन, एक साइड पे राइट लेग, दूसरे साइड पे लेफ्ट लेग, ठीक है ना। तो इस तरह मिड सेजिटल प्लेन जो है वो बॉडी को दो
सिमेट्रिकल या इक्वल राइट एंड लेफ्ट पार्ट में डिवाइड कर रही है, और ये वाहिद बॉडी प्लेन है जो बॉडी को दो सिमेट्रिकल प्लेन में डिवाइड कर रही है। इसके अलावा ट्रांसवर्स प्लेन हो या क्रोनल प्लेन हो, ये बॉडी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकती है। किस तरह? फॉर एग्जांपल ट्रांसवर्स प्लेन, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन जो बेली पॉइंट से पास हो रही है, ये बॉडी को सुपीरियर एंड इन्फीरियर पार्ट में डिवाइड करेगी। अब ये दो इक्वल किस तरह नहीं है? देखो हमारा हेड ऊपर रह रहा है, नीचे तो कोई हेड नहीं है ना, तो ये दो इक्वल पार्ट किस तरह हुए? दो इक्वल पार्ट का मतलब है कि बॉडी का हर एक पार्ट दो हिस्सों में डिवाइड हो, ठीक है ना। तो ट्रांसवर्स प्लेन कभी भी बॉडी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकती है, ठीक है ना। इसके अलावा ट्रांसवर्स प्लेन जो है ना वो बहुत मल्टीपल हो सकती हैं। अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से ड्रा कर देंगे तो ये भी ट्रांसवर्स प्लेन है, बॉडी को सुपीरियर एंड इन्फीरियर पार्ट में डिवाइड कर रही है। अगर मैं यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर रहा हूँ तो वो भी बॉडी को सुपीरियर एंड इन्फीरियर लाइन में ड्रा कर रही है। अगर मैं हिप रीजन से, ठीक है ना, पेल्विक रीजन से हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन ड्रा कर रहा हूँ तो वो भी बॉडी को सुपीरियर एंड इन्फीरियर पार्ट्स में डिवाइड करेगी। इसका मतलब ये है कि जो ट्रांसवर्स प्लेन है वो मल्टीपल हो सकती हैं, ठीक है ना। इसी तरह क्रोनल प्लेन भी मल्टीपल हो सकती हैं, ठीक है ना। आप इस तरह फॉर एग्जांपल थोड़ा आगे से, मतलब इस तरह वर्टिकल इमेजनरी लाइन ड्रा कर दें, सेंटर से वर्टिकल इमेजनरी लाइन ड्रा कर दें, या पोस्टीरियरली इमेजनरी लाइन ड्रा कर दें, ठीक है ना। तो ये मतलब क्रोनल प्लेन भी एक से ज़्यादा हो सकती हैं, ट्रांसवर्स प्लेन भी एक से ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन मिड सेजिटल प्लेन जो है ना वो क्या होगी? एक होगी, और ये यूनिक है इन नेचर। ये सिर्फ बॉडी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। अब हम बात कर रहे हैं पैरासेजिटल प्लेन, ठीक है ना। तो पैरासेजिटल प्लेन ये सेजिटल प्लेन की एक टाइप है, ठीक है ना, जो बॉडी को दो अनइक्वल लेफ्ट एंड राइट पार्ट में डिवाइड करेगी। किस तरह? फॉर एग्जांपल देखें, यहाँ पे हम एक वर्टिकल इमेजिनरी लाइन ड्रा कर रहे हैं, मिड क्लेविकुलर लाइन, ये दूसरी मिड क्लेविकुलर लाइन, ये क्लेविकुलर बोन है, ये दूसरी क्लेविकुलर बोन है। अब इस क्लेविकुलर बोन के सेंटर से हमने एक वर्टिकल इमेजिनरी लाइन ड्रा की, ठीक है ना। इसने भी बॉडी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है ना, राइट एंड लेफ्ट, लेकिन ये दो राइट एंड लेफ्ट पार्ट्स इक्वल नहीं हैं। इसी तरह अगर राइट क्लेविकुलर बोन को हम सेंटर से इमेजिनरी लाइन से ड्रा कर दें बॉडी को, तो इस केस में भी बॉडी दो राइट एंड लेफ्ट पार्ट में डिवाइड होगी, लेकिन ये दो राइट एंड लेफ्ट पार्ट्स इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। तो पैरासेजिटल प्लेन क्या हुई? इट्स अ टाइप ऑफ सेजिटल प्लेन विच रन्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड इट डिवाइड्स बॉडी इनटू टू अनइक्वल लेफ्ट एंड राइट पार्ट्स, ठीक है। तो बाकी जितनी प्लेन्स हैं वो क्या होंगी? इक्वल नहीं होंगी, वो सिमेट्रिकली दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं करेंगे बॉडी को। सिर्फ सेजिटल प्लेन में मिड सेजिटल प्लेन, जिसको हम मीडियल प्लेन भी कहते हैं, वो बॉडी को दो सिमेट्रिकल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब ये देख लें, यहाँ पे मैंने क्रोनल प्लेन को थोड़ा आपको वाइट बोर्ड में शो करने की कोशिश की है, ये बॉडी को, ठीक है ना, लेटरली मैंने शो किया है। इस तरह क्या करेगी? वर्टिकल इमेजिनरी लाइन होगी जो बॉडी को इंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट्स में डिवाइड करेगी, ठीक है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था बॉडी प्लेन से रिलेटेड। तो हम समराइज करते हैं आज के लेक्चर को। तो बॉडी प्लेन को हमने डिफाइन किया, इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड्स बॉडी इंटू टू पार्ट्स। तो दो पार्ट्स इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है ना। अब हमने टाइप्स ऑफ बॉडी प्लेन की बात की थी, सेजिटल प्लेन, क्रोनल प्लेन एंड ट्रांसवर्स प्लेन, ठीक है। अब सेजिटल प्लेन की बात की थी कि ये वर्टिकल इमेजिनरी लाइन है जो रन करती है टॉप टू बॉटम और बॉडी को दो राइट एंड लेफ्ट पार्ट में डिवाइड कर रही थी, ठीक है। अब फिर हमने कहा था कि सेजिटल प्लेन की दो टाइप्स हैं, मिड सेजिटल प्लेन एंड पैरासेजिटल प्लेन, ठीक है। मिड सेजिटल प्लेन का हमने कहा था कि ये बॉडी की मीडियल लाइन से पास होकर जा रही है, ठीक है ना, और ये बॉडी को दो सिमेट्रिकल या इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। और ये पास होगी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द नोज, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द चिन, फ्रॉम द बेली पॉइंट, और इस तरह बॉडी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, ठीक है ना। बॉडी का हर एक पार्ट दो हिस्सों में डिवाइड होगा। इसके बाद हमने बात की थी क्रोनल प्लेन, जिसको हम फ्रंटल प्लेन भी कहते हैं। हमने कहा था ये भी जो है वर्टिकल इमेजिनरी लाइन है, ठीक है ना, लेकिन ये भी रन करेगा टॉप टू बॉटम, लेकिन ये बॉडी को दो पार्ट्स इंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट में डिवाइड करेगा, सही है। उसके बाद जो लास्ट हमारी प्लेन थी वो थी ट्रांसवर्स प्लेन। ट्रांसवर्स प्लेन को हम हॉरिजॉन्टल भी प्लेन कहते हैं। ये हॉरिजॉन्टली बॉडी को, ठीक है ना, क्या करता है, डिवाइड करता है दो पार्ट्स में, सुपीरियर एंड इन्फीरियर पार्ट में।